कि ये सामान बाहर टांगे में रख दो, थोड़ी सी मिठाई तो खा लीजिए वकील साहब। इस तकलीफ की क्या जरूरत थी चौधरी, आप जैसे महापुरुष की तो पूजा करनी चाहिए, नहीं तो आज के जमाने में कौन दूसरे का बोझ अपने सर लेता है। पंडित दीनानाथ जी मेरे भाई समान थे, उनकी बेटी मेरी बेटी है। मरने से पहले उन्होंने मुझे एक पत्र लिखा था, ये उन्हीं की इच्छा है जिसका पालन करने मैं यहाँ आया हूँ। किसी को भेज के गौरी को बुलवा दीजिए, गाड़ी का वक्त हो रहा है। पहले आप कुछ खा तो लीजिए, मनोरमा बहन गौरी को लेकर आती ही होंगी। राम 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 राम, मैं तो समझाते समझाते हार गई, मगर छोकरी है कि वही ढाक के तीन पास, उसका रोना ही बंद नहीं होता। अभी तक रो रही है पगली, मैं उसे लेकर आता। मुझे तो खुद बेचारी पर आती है चौधरी, बरसों के बाद गांव आई हूँ, पहले खबर होती तो दुखियारी को मैं ही ले जाती अपने साथ, मेरी बेटी के साथ इसका जीवन भी कट जाता। गौरी चाचाजी, इस तरह कब तक रोती रहोगी मेरी बच्ची? अब चुप हो जा गौरी और चलने की तैयारी कर, गाड़ी का समय हो गया है। अगर रोने धोने से कोई वापस आ जाता है तो मैं जिंदगी भर तुम्हारे साथ रोने के लिए तैयार हूँ। चुप हो जा, जीवन में हर सांझ के बाद सवेरा भी होता है बेटी। ये घर तुम्हारा है और क्या। गोपाल, ओ गोपाल, तबले की आवाज सुन रही हो ना, प्रकाश बजा रहा है मेरा भांजा। बेचारे का मेरे सिवा इस दुनिया में और कोई नहीं, लेकिन है जरा अक्खड़ में जाए, थोड़ी सी मुश्किल जरूर पेश आएगी तुम्हें उसके साथ। घबराओ नहीं, मेरे सब काम वो अपने हाथ में करता है, और कोई दूसरा दखल दे तो फौरन बिगड़ जाता है। दिमाग का कोई दूसरा ढीला है शायद पगले। इस घर की हर चीज पर तुम्हारा अधिकार है, जो तुम्हारे मन में आए कर सकती हो। ये है पूजा घर और ये माया का कमरा। एक ही बेटी है माया, मगर उसे कॉलेज से फुर्सत कहाँ है, पढ़ती है दिल्ली में और वहीं हॉस्टल में रहती है। आओ बेटी, मेरा तो इस घर में बिल्कुल दिल नहीं लगता। काश है कि सुबह से शाम तक तबले में मगन रहता है। कई बार सोचा कि सब छोड़ छाड़ के काशी चला जाऊं, मगर जिम्मेदारियां हैं कि बेड़ियां बन के बांध लेती है। फिर आपने मुझे लगा। तुम तो पराया धन हो बेटी, पिता समान चाचा के घर में कितने दिन रहोगी, और जितने दिन रहोगी बेटी का प्यार तो दोगी। मैं तो बेटी के प्यार का भी भूखा हूँ बेटा। ये सामान कहाँ रखूँ मालिक? माया के कमरे में रख लो, ये वहीं रहेंगे। और सुनो, गौरी माया की तरह मेहमान बनकर रहने नहीं आई, इस घर की सारी बागडोर आज इनके जिम्मे। जी माला, जा बेटी।
तुम भी आराम करो। आइए आइए। बेटी तूने तो आते ही काम शुरू कर दिया। आपको 9 बजे नाश्ते की आदत है ना? अच्छा तो गोपाल से सब कुछ पूछ लिया। मगर बेटी प्रकाश को अगर ये मालूम हो गया कि तू मेरे लिए चाय या नाश्ता लाई है तो खामखा सारा घर सट उठा लेगा। आप उसकी चिंता न कीजिए, खाइए। तुमने कुछ खाया बेटी? पूजा से पहले मैं कुछ नहीं खाती। तो जाओ बेटा पहले पूजा कर लो। अभी करती हूँ, पहले प्रकाश भैया को चाय दे। आपकी चाय। फिर से बोलिए। आपकी चाय। औरत की आवाज। मर गए मर गए। नहीं देखिए देखिए, आप यहाँ से चली जाइए, फौरन चली जाइए। क्यों क्या हुआ? औरत की छाया और संगीत की माया कभी एक नहीं हो सकती। आप यहाँ से चली जाइए वरना मेरा आज का रियाज भंग हो जाएगा। रियाज भंग हो जाएगा? ओफो, आप ये बातें नहीं समझ सकेंगी। सुरताल की बातें हैं और आप ठहरी बेताल। मेरे गुरुजी की ये आज्ञा है कि 10 बजे से पहले किसी औरत की सूरत न देखो, समझी? समझी। गई? क्यों? आपके गुरु की आज्ञा सर माथे पर, लेकिन 10 तो कभी के बच चुके हैं। बच चुके हैं? कौन कहता है? आपकी खड़ी, यकीन ना हो तो खुद ही देख लीजिए। जय बजरंगबली। फिर तो हमारा कोई झगड़ा नहीं, आप गौरी है ना? तो फिर आप नहीं तुम, मैं आपसे छोटी हूँ ना। मामा ने मुझे सब कुछ बता दिया है, तुम किसी बात की चिंता ना करना, मेरे होते हुए तुम्हें कोई तकलीफ नहीं होगी। चाय पीजिए, ठंडी हो जाएगी। तो तुमने मामा को भी चाय दी है? हाँ, नाश्ता भी। क्यों? तुम कौन होती हो? किसने कहा था तुमसे ये सब करने? मामा 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 मामा, ये सब क्या हो रहा है? ये सब क्या हो रहा है मामा? मुंह में क्या है? फेंको उसे। कुछ नहीं बेटा, बात क्या है? जैसे कुछ जानते ही नहीं, मेरे होते हुए तुम्हारा काम कोई दूसरा करे, क्या मैं मर गया था? मरे तेरे दुश्मन। मरे तेरे दुश्मन। मामा आखिरी बार कह देता हूँ, मेरा काम कोई दूसरा करेगा तो मैं उसकी टांग तोड़ दूंगा। देखा ना बेटी, बांस का बतंगड़ बना देता है। आप चिंता न कीजिए, मैं सब ठीक कर लूंगी। क्यों रे, किसके हुक्म से नाश्ता रसोई के बाहर गया था? बीबी जी के हुक्म से। बड़ा है बीबी जी का बच्चा, राम जाने कहां कहां से चले आते हैं ऐसे नमूने, कितना भी नहीं जानते, जिसका काम उसी को साझे। प्रकाश भैया आ रहे हैं। चाचा जी आप जरा चुपके से बैठे रहिए। अरे जाने दे बेटी, क्यों उसे खामखा चढ़ा रही है? आप चुप रहिए ना। चाचा जी अच्छा लग रहा है ना? हाँ बेटी। पाँव निकालो निकालो, पाँव दूसरा निकालो। जय बजरंगबली। अरे कहाँ चला तू? धर्मशाला, अकेली जान है और शहर में धर्मशाले कई हैं, कहीं भी टिक जाऊंगा। रहा तबला वो किसी पेड़ के नीचे बजा लूंगा। नहीं आप नहीं जा सकते। तुम कौन होती मुझे रोकने वाली? यही तो समझने की जरूरत है भैया, बिना बाप की बेटी को यहाँ आकर बाप का प्यार तो मिल गया, लेकिन अगर आप चले गए तो उसे भाई का प्यार कौन देगा, कौन उससे झगड़ा करेगा? कहिए अब तो यहाँ रहेंगे आप? आप नहीं,
तुम कहो, मैं तुम्हारा भाई हूं। अरे 10 तो अब बज रहे हैं, इसका मतलब तुमने मुझे उल्लू बनाया। मैं तुमको नहीं छोड़ूंगा, मैं नहीं छोड़ूंगा। अरे तुमने तो झगड़ा शुरू कर दिया। तुम चुप रहो मामा, मैं 10 बजे से पहले किसी लड़की की सूरत नहीं देखता, और इसने घड़ी की सुई घुमाकर 10 बजा दिए और अपनी सूरत मुझे दिखा दी। तो उसमें झगड़े की क्या बात है? तुम्हारे गुरुजी ने तो औरत की सूरत देखने को मना किया है, मैं तो तुम्हारी बहन हूँ। सुना मामा, बहन औरत नहीं होती। ठीक तो कहती है, बहन बहन होती है। फसले बहन बहन होती है। जय बजरंगबली, मैं तो समझा मैंने किसी औरत का मुंह देख लिया। लेकिन औरत का मुंह देखने से भी रियाज भंग नहीं होता भैया, तुम्हारी कला की देवी भी तो औरत है, क्या तुम उनकी तस्वीर नहीं देखते? मैं तो उनकी पूजा करता हूँ। तो फिर किसी औरत का मुंह देखने में क्या बुराई है? बल्कि तुम्हें मर्द का मुंह नहीं देखना चाहिए। ये तुमने ठीक कहा। तो कल सुबह से तू मेरा मुंह देखना बंद कर दे। तुम्हारा मुंह? तुम मर थोड़ा ही हो। क्या मतलब? तुम तो मामा हो मामा। क्यों गौरी? मामा तुम जल्दी से नाश्ता कर लो, मैं तुम्हारी मालिश के लिए तेल लेकर आता हूँ। है कोई ठिकाना इसकी बातों का, पल में तोला पल में माशा। जाओ बेटी तुम भी पूजा कर लो। मुरारी
चुकी मैं तुमको स्वामी, सौंप चुकी मैं तुमको स्वामी, अपने मन का मोती झूठे है। प्रकाश, प्रकाश क्या है मामा, क्यों चिल्ला रहा है? अरे बहुत बड़ी खुशखबरी की बात है, बंबई से चिट्ठी आई है, माया की शादी पक्की हो गई है। पक्की हो गई? हाँ, लड़के की माँ ने लिखा है, लगन की तारीख ठीक करके उन्हें इतला की जाए। जय बजरंग बली, जय बजरंग बली। लेकिन मामा ये रिश्ते की बात तो बहुत पुरानी है, तारीख आज नहीं तो कल पक्की होने ही वाली थी। प्रकाश तेरी बुद्धि है मोटी और ये बातें हैं बारीक। बिल्कुल ठीक कहा आपने, लेकिन चैटर्जी बात क्या है? माया की शादी पक्की हो गई है बेटी, लड़के का मामा एक साल पहले रिश्ता ठीक कर गया था मगर जाते ही गुजर गया। लोग तो देख सुनकर भी आंखें फेर लेते हैं बेटी, मगर हमारी माया को न लड़के ने देखा है न लड़के की माँ ने, सिर्फ वचन पूरा करने के लिए। ऐसा खानदानी घर भला कहाँ मिलेगा आजकल की दुनिया में। लीजिए प्रसाद, मुंह मीठा कीजिए। तू भी तो मुंह मीठा कर बेटी, ये सब तेरी बरकत है, तेरा कदम इस घर के लिए बहुत मुबारक है। बनारस में मकान तू ले ही रखा है, सोचता हूँ माया के बाद तेरे भी कहीं हाथ पीले कर दूं तो जिंदगी के बाकी दिन गंगा स्नान में काट सकता हूँ। ना चाचा जी, मैं तो वहां भी चलकर आपकी सेवा करूंगी। जय बजरंग बली, तो इसका मतलब ये हुआ कि तुम हाथ धोकर मेरे पीछे पड़ी हो। देखता हूँ कब तक चलता है तुम्हारा ये सेवा भाव। कल ही अगर गौरी का कोई बम भोलेनाथ न ढूंढ निकाला तो मेरा नाम भी प्रकाश नहीं। बस बस, अब ज्यादा बातें न बना, जा पंडित जी को लेके आ ताकि मुहूर्त की बात ठीक करो। आज की डाक से ही इस खत का जवाब चला जाए तो अच्छा है। अभी जाता हूँ मामा जी। लड़का कैसा है चाचा जी? बहुत अच्छा है बेटी, खानदानी भी है और बंबई जैसे शहर में एक बहुत बड़ा डॉक्टर है। डॉक्टर साहब, कैसे मिली माँ? डॉक्टर साहब घबराइए नहीं, ऑपरेशन कामयाब हो गया है, जल्दी अच्छे हो जाएंगे। किस तरह आपका शुक्रिया अदा करूं डॉक्टर साहब, आपने तो मेरी माँ को नई जिंदगी दे दी। जिंदगी तो भगवान देता है, आप ही तो है मेरे लिए भगवान। डॉक्टर साहब, डॉक्टर साहब आपकी फीस? फीस? मैं विधवा औरतों के इलाज की फीस नहीं लिया सकता। फिर भी डॉक्टर साहब, मैंने कहा ना अगर आपको कुछ देना ही है तो नर्सिंग होम के चैरिटी फंड में दे दीजिए। सर कैबिन फोर की एक्स्ट्रा प्लेट आ गई। ओ माफ कीजिएगा। सिस्टर इनको ऑफिस में ले जाइए। नमस्ते डॉक्टर साहब। शरीर कहीं के? अरे मंजू माँ कहाँ है? अरे ऊपर तुम्हारे कमरे में। माँ ये लो माँ पैसे रख लो। मैंने कहा ये पैसे रख लो माँ। मैं नहीं रख सकती, मुझे क्या डाकखाना समझाया साहूकार? मुझे नहीं आते पैसे। अच्छी बात है, तो फिर मैं मंजू के हवाले करता हूँ। मंजू खबरदार, अगर मंजू को बुलाया तो देखती हूँ भला कौन हाथ लगाता है तेरे पैसे को, अब तो कोई और ही आकर संभालेगी तेरी चीजें। फिर वही शादी की बात, मगर इस घर में चीज की कमी है माँ, तुम हो मैं हूँ मंजू है, फिर बाहर से किसी को लाने की क्या जरूरत है? लेकिन तूने कभी मेरे दिल की बात भी सोची है? तू जानता है मरते समय तेरे मामा ने मेरा हाथ पकड़ कर कहा था, बहन मधुसूदन जी को मैंने वचन दे रखा है उन्हीं की बेटी को बहू बनाकर इस घर में लाना, अगर उनका वचन पूरा ना हुआ तो कौन सा मुंह लेकर मैं जाऊंगी भगवान के सामने।
ये सब तो ठीक है माँ, लेकिन मैं कहता हूँ अभी इसकी जल्दी क्या है। अरे 2 साल तो होने को आए हैं, और कब तक बैठे रहेंगे बोलो। तो जानता नहीं बेटा, बड़ी मुश्किल से लड़की की जन्म कुंडली रास आई है तेरे साथ। तू हंसता क्यों है? तेरे मामा तो बहुत बड़े पंडित, तेरे ग्रहों की शांति के लिए सैकड़ों कुंडलियां देखकर ढूंढती है लड़की, इसलिए तो मैं रिश्ता छोड़ना नहीं चाहती। मगर तुमने उसे देखा भी है माँ? मुझे बिन देखे सब कुछ मंजूर है, लेकिन अगर तू देखना चाहता है तो साफ साफ क्यों नहीं कहता? देखने से फायदा क्या माँ, मुझे अगर पसंद नहीं आई तो फिर से तुम्हें सैकड़ों कुंडलियां दिखानी पड़ेगी। समझी, तू मुझे दुखी देना जानता है। ठीक है, तू जाना तेरा काम। माँ, माँ बस आंसू आ गए, इतनी सी बात पे आंसू आ गए? तेरे लिए इतनी सी बात है, लेकिन तू ये नहीं समझता, बेटा जवान हो जाए तो माँ की ममता क्या चाहती है। अच्छा माँ, अगर मैं तुम्हारी बात मान जाऊं तो खुश हो जाओगी ना? तुम्हारी खुशी में ही मेरी खुशी है माँ, तुम्हारी बात भी पूरी हो जाएगी और ये आयरन की खिटखिट हमेशा के लिए खत्म हो जाएगी। तो फिर लिख दे चिट्ठी। हाँ लिख ही डालो। वो तो मैंने लिख भी दी है। आ? हाँ देख लेना, लाखों में एक होगी मेरी बहू, बीए में पढ़ती है और नाम भी कितना सुंदर है, माया। मालूम है तुम क्या सोच रही हो, बताओ। अगर इस बार भी इम्तिहान में फेल हो गई तो? यही तो मैं चाहती हूँ, कॉलेज में आखिरी साल है, पास हो गई तो मुझे दिल्ली कौन रहने देगा? पिताजी के पास अंबाला जाना पड़ेगा, जहाँ तुम नहीं मिलोगे। कैसे नहीं मिलूंगा, तुम्हारे लिए तो मैं कहीं भी पहुँच सकता हूँ। लेकिन इस तरह छुप छुप कर कब तक मिलते रहेंगे? जब तक हम दोनों एक ना हो जाए। तो फिर शादी का फैसला क्यों नहीं करते रमेश? फैसला तो तुम्हें करना है। मैंने तो फैसला कर लिया, मैं तुम्हारी हूँ और हमेशा तुम्हारी रहूंगी। माया चलो वापस चलो, हॉस्टल बाहर से बहुत देर हो जाएगी। चलो फुर्सत मिल गई है आपको वापस आने की। कहाँ से आ रही हैं देवी जी? क्या बताऊँ शीला, इम्तिहान सर पर आ रहा है, जरा पढ़ने चली गई थी, वही देर हो गई। जिस इम्तिहान के लिए इतनी तैयारी हो रही है उसका सब पता प्रिंसिपल को चल गया है। तेरा मतलब है रमेश के बारे में? ये तो मैं नहीं जानती, लेकिन कॉलेज के बाद तुम हॉस्टल से भी गायब रहती हो, इतनी बात वो जरूर जानती है। जानती है तो जान ले। लेकिन अगर आपका यही हाल रहा तो इम्तिहान का भगवान ही मालिक है। कॉलेज के इम्तिहान में तो फेल हो सकती है, मगर मोहब्बत के इम्तिहान में जरूर पास होकर दिखाऊंगी। जानती है मैंने रमेश से शादी करने का फैसला कर लिया है। माय दीदी तुम्हारा तार। तार?
आखिर तुम कहना क्या चाहती हो? जी, मैं ये कहना चाहती हूँ कि मैं इतनी जल्दी शादी नहीं कर सकती। क्या? शादी का मुहूर्त निकल चुका है, लगन की तारीख पक्की हो गई है और तुम चाहती हो कि मेरी आंखें हमेशा के लिए दुनिया के आगे झुक जाए? लेकिन पिताजी। लेकिन क्या, शादी होगी और ये मेरा आखिरी फैसला है। मामा तो तबले की दुगन की तरह गर्म हो जाते हैं, जैसे ये घर नहीं उनकी कचहरी है। लेकिन उनका कहना भी ठीक है माया, एक मशहूर कहावत है, चंदन की चुटकी भली गाड़ी भराना का। तो अपनी कहानी तुम लोग चले जाओ यहाँ से। लेकिन माया, ओहो मैं कहती हूँ तुम लोग चले जाओ यहाँ से, गेट आउट। जय बजरंगबली। मामा तो सिर्फ दुगन तक पहुंचे थे पर इसने तो चौगन शुरू कर दी। चलो गो, चलो। अरे मैंने कहा जल्दी करो जल्दी, महीने भर रेंट प्रॉपर्टी से पर आएगा क्या? और भी तो सजावट करनी है। अरे बाप रे, लो पंडाल का सामान भी आ गया, उसको रख दो। अरे कोने में रख देना। कार्ड पर कार्ड ही लिखे जा रहे हो मामा, जैसे सारे बराती कार्ड ही खाएंगे आता है। अरे कुछ मिठाई का भी तो इंतजाम किया होता। तुझे तो चार दिन पहले से ही मिठाई की चिंता लग गई। हो गया उसका इंतजाम? हो गया। हाँ, मिठाई का भी और हलवाई का भी। जय बजरंगबली। ले ये कार्ड ले और शाम तक सारे मोहल्ले में बांट दे। तुम कहो तो सारे शहर में बांटा हूं, अभी जाता हूं। मगर मामा ये तो बताओ कौन कौन सी मिठाई बनने वाली है? बर्फी, गुलाब जामुन और कलाकंद, मोतीचूर के लड्डू। वाह 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 वाह। बर्फी है कि नहीं? जाता हूँ। लड्डू, मोती का हार। ओ माया, माया तेरे गहने आ गए। माया बिटिया, तुम्हारी चिट्ठी। बात नहीं, शुभ कम हो गया। प्रकाश इसे उठा के अंदर ले चलो बेटा। बत्ती बुझा दो बेटी, इन्हें आराम से सोने दो। डॉक्टर साहब, घबराने की कोई बात नहीं, एक्साइटमेंट की वजह से कभी कभी ऐसा हो जाता है। मगर एक्साइटमेंट कैसी डॉक्टर? शादी बजाते खुद एक बहुत बड़ी एक्साइटमेंट है। मगर उसे सुबह डोली में जाना है, 8 बजे का मुहूर्त है। मैंने कहा घबराने की कोई बात नहीं, इन्हें आराम से सोने दीजिए, सुबह तक बिल्कुल ठीक हो जाएंगी। जय बजरंगबली। तुम चिंता ना करो मामा, तुम भी आराम से सो जाओ। गौरी माया के पास रहेगी, जीजा जी के पास पहुंच जाएगा ये सालेग्राम। एक ताल, तीन ताल, जप ताल और आले चौताले में सुबह कर देगा। चलिए डॉक्टर साहब, सो जाओ। प्रकाश,
प्रकाश, ओहो 5 बज गए अभी तक सारा घर सो रहा है। क्या बात है चाचा जी, सूट गई बेटी? मेरी तो पूजा भी खत्म हो गई। 8 बजे डोली जाने वाली है बेटी, माया कैसी है? सो रही है अभी तक, जानबूझ के मैंने उसे नहीं जगाया। अच्छा किया बेटी, मैं उसे जाके जगाता हूँ। प्रसाद लेकर आ। जय बजरंग बली की मामा। अरे तू भी उठ गया, मैं तो समझा सुबह मेरे सारे घर वाले घोड़े बेच के सो रहे हैं। मामा मैंने तो 1 घंटा कसरत भी कर ली, और कसरत ही नहीं बल्कि आज का रियाज भी खत्म कर दिया। आज के दिन भी नागा नहीं किया बेटी? नागा कैसा मामा, आज तो सिर्फ माया की विदाई है, अपने राम तो अपने शादी के दिन भी दिन तक राम माया बेटी। माया बेटी, माया क्या हुआ मामा, ये चिट्ठी कैसी? अब क्या होगा मामा? अब एक ही तरीका है, बस एक ही तरीका है। सॉरी सॉरी। क्या बात बताती है? ये देखो माया घर छोड़कर चली गई। चली गई? चाचा जी कहाँ हैं? चिट्ठी पढ़ते ही पागलों की तरह अपने कमरे की तरफ गए। तो फिर जल्दी चलो उनके पास। मामा 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 दरवाजा खोलो मामा 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 दरवाजा खोलो मामा 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 भगवान के लिए दरवाजा खोलो मामा 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 जी, दरवाजा खोलिए। मामा दरवाजा खोलो नहीं तो तोड़ दूंगा। मामा मामा ये क्या कर रहे हो? छोड़ दो प्रकाश, छोड़ दो मामा, छोड़ दो मामा, मामा गौरी मामा बेहोश हो गए। अब क्या होगा बेटा? मैं डॉक्टर को लेकर आता हूँ। गोपाल गोपाल देख मामा की तबीयत अचानक खराब हो गई, तू इधर ही खड़ा रहना, जब तक मैं वापस ना आऊं कोई भी ऊपर जाने ना पाए, बिल्कुल कोई भी, समझा? तुमने तो सचमुच कमाल ही कर दिया माया, मैं तो ये सोच भी नहीं सकता था कि तुम इतनी बहादुर हो सकती। तुम्हारे लिए ही तो सब कुछ छोड़कर चली आई हूँ रमेश। मैं भी तो तुम्हारा खत मिलते ही कच्चे धागे से खिंचाया हूँ। लेकिन मेरा ख्याल अभी तक पीछे है, पता नहीं पिताजी क्या करते होंगे। डॉक्टर साहब डरने की तो कोई बात नहीं है ना? मैंने नींद का इंजेक्शन दे दिया, वकील साहब को बहुत बड़ा सदमा पहुंचा है, लेकिन होश में आने के बाद जरा भी परेशानी हुई तो जान का खतरा है। डॉक्टर साहब घबराइए नहीं, आज का दिन निकल गया तो समझो खतरा भी टल गया। मैं भी तो यही चाहता हूँ, लेकिन मामा का जीवन मेरे हाथ में नहीं है गौरी, तुम्हारे हाथ में। मेरे हाथ में? हाँ। तो फिर जल्दी बताओ भैया, उनके लिए मैं कुछ भी करने को तैयार हूँ। गीता हाथ में लेकर तुम ये कह रही हो? हाँ हाँ चाचा जी के लिए मैं अपनी जान तक दे सकती हूँ। लेकिन आज अगर जान से भी ज्यादा कुछ देना पड़े तो? पहले ना बुझवाओ भैया, साफ साफ कहो मैं क्या कर सकती हूँ। मामा को बचाने का सिर्फ एक ही तरीका है, इससे पहले कि वो होश में आए डोली इस घर से चली जानी चाहिए। लेकिन दुल्हन के बगैर डोली जा कैसे सकती है?
दुल्हन की जगह डोली में तुम बैठ जाओ बहन। प्रकाश भैया। हाँ गौरी, इस वक्त मामा को बचाने का यही एक रास्ता है। होश में आने के बाद उनको यही बताया जाए कि माया घर छोड़कर गई नहीं बल्कि यही मौजूद थी। लेकिन प्रकाश भैया तो मैं ठीक कह रहा हूँ, माया को अभी तक दुल्हा और दुल्हा के यहाँ से किसी ने नहीं देखा और ना ही किसी को तुम्हारी पहचान। शायद भगवान ने तुम्हें इसी नाजुक घड़ी के लिए इस घर में भेजा था। मैं जानता हूँ ये रात बहुत दिन तक छुपा नहीं रह सकता, आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों ये भेद खुलने ही वाला है। उसके बाद तुम पर क्या बीतेगी मैं वो भी जानता हूँ। शायद तुम्हें मौत से भी ज्यादा मुश्किल का सामना करना पड़ेगा, शायद तुम्हें जीते ही मर जाना पड़े। फिर भी आज तुम ये साबित कर दो बहन कि अगर एक बेटी अपने बाप की पगड़ी उछाल कर बाहों में गिरा सकती है तो दूसरी उसे सर पर सजा भी सकती है। मेरी बात मान लो बहन, मैं एक भिखारी की तरह तुझसे मामा के जीवन की भीख मांगता हूं। उनकी लाज बचा लो बहन, तुमने ये गीता की सौगंध खाई है ना, यही गीता तुम्हारी रक्षा करेगी। डोली जाने का वक्त हो गया, माया दीदी का सिंगार नहीं करना है क्या? माया का सिंगार गौरी कर रही है, मामा की तबीयत ठीक नहीं है, किसी किस्म का शोर नहीं होना चाहिए, समझी? जाओ तुम सब नीचे जाओ, जाओ। जरा दुल्हन हमें भी तो देखने दो। नहीं नहीं, पहले ही गाड़ी का वक्त हो गया है और उसकी तबीयत भी ठीक नहीं। आइए जी जैसे। हम कहाँ जा रहे हैं रमेश, शहर तो बहुत पीछे रह गया है। शहर से हमारा वास्ता भी क्या है माया, प्रेम के पंछी तो खुले आसमानों पे उड़ा करते हैं। मैं तुम्हें ऐसी जगह ले जाऊंगा जहाँ ना कोई तुम्हें जानता और ना मुझे। लेकिन पहले हमें किसी ऐसी जगह जाना चाहिए जहाँ हम दोनों शादी कर लें। शादी? तुम हंसते क्यों हो? शादी का शौक अभी तक पूरा नहीं हुआ तुम्हारा, अभी तो हाथों से मेहंदी का रंग भी नहीं छूटा। आखिर तुम कहना क्या चाहते हो? यही के समान की निगाहों में तुम्हारे फेरे किसी और के साथ हो चुके हैं। तो इसका मतलब? मतलब ये जब आज का इंसान जमीन को छोड़कर चांद को छूने की कोशिश में लगा हुआ है तो ये पंडित और पुजारियों का बनाया हुआ ढोंग बहुत पुराना मालूम होता है। हम दोनों इसके बगैर भी एक दूसरे को अपना सकते हैं माया। नहीं रमेश, शादी के बगैर? मगर ये शादी हो कैसे सकती है? किसी दूसरे की बीवी से शादी करने का मतलब जानती हो क्या होता है? जेल। और मैं जानबूझ कर ये सौदा नहीं कर सकता। गरीब हूँ रमेश, मैं अपने घर वापस जाऊंगी। वो दरवाजा तुम्हारे लिए बंद हो चुका है माया, अब तो तुम्हें मेरे साथ ही चलना होगा। मैं कहती हूँ गाड़ी रोक दो। पागल न बनो माया। मैं कहती हूँ गाड़ी रोक दो। गाड़ी तो किसी ठिकाने पे पहुँच के ही रुकेगी। ओह अच्छी बात है, तो फिर इसे उसी ठिकाने पे पहुँच ले। ये तुम्हारा कमरा है भाभी। यहाँ पर बैठे सुबह जब तुम आई थी तो ना तुम्हारे हाथों में मेहंदी लगी थी और ना सिर पर झुमर, फिर भी तुम कितनी सुंदर लग रही थी। चलो चलो हटो सब, मुझे भी तो जी भर के देखने दो अपनी बहू रानी को। हमने भी तो जी भर के बातें नहीं की है भाभी से। बात कम कर लेना, आज इसे आराम करने दो। जाओ जाओ सुन सब जाओ। मंजू तेरे भैया कहाँ है जाके देख तो। बैठो बहू रानी, लो ये कंगन पहन लो। यही कंगन तुमसे पहले मैंने और मुझसे पहले मेरी सास ने पहनी थी। हमारे कुल के रीत के मुताबिक ये तुम्हारे सुहाग की निशानी है। ये ऐसी बेड़ियां हैं बेटी जो हमेशा के लिए तुमको हमारे कुल के साथ बांध देंगी।
खड़ी क्यों हो? बैठ जाओ ना माया। अच्छा ये बताओ, ये नया घर, ये नए लोग पसंद आए तुम्हें? मेरी माँ और मंजू को तो एक ही दिन में जीत लिया तुमने। सुबह से तुम्हारे ही गुण गा रही है। बैठो ना। क्या मैके की याद आ रही है? बोलती नहीं, कम से कम मेरी तरफ देखो तो सही। मुझे मत छुइए, भगवान के लिए मुझे मत छुइए, मेरी आपसे सिर्फ यही एक विनती है। मगर बात क्या है माया? मेरा एक व्रत चल रहा है, जब तक वो पूरे ना हो जाए मुझे अकेली रहने दीजिए। बस इतनी सी बात? अगर तुम यही चाहती हो तो मैं तुम्हारा उसूल नहीं तोड़ूंगा। अब तुम सो जाओ। अरे कब तक इस तरह खड़ी रहोगी? सो जाओ ना। ये क्या हो रहा है? कहां जाने की तैयारी? बोलना नहीं चाहते तो मत बोलो, पर कल से तुमने कुछ नहीं खाया, ये खाना तो खा लो मामा। मामा खबरदार, चला जा यहां से, मैं तेरी शक्ल भी नहीं देखना चाहता। मामा मैं नहीं जानता था कि तेरी वजह से मुझे इतना दुख खाना पड़ेगा। लेकिन तुम्हारी जिंदगी बचाने का सिर्फ यही एक रास्ता था मामा। मर जाने दिया होता मुझे, लूट जाने दी होती इस घर की इज्जत, मैं इस चार दीवारी में अब सांस भी नहीं ले सकता। मैं आज ही बंबई जाता हूँ, उन लोगों को सब बात समझा कर गौरी को लेकर बनारस चला जाता हूँ। तुम्हें वहां नहीं जाना चाहिए मामा, अगर वो लोग ने तुम्हारा अपमान कर दिया तो? हो जाने दो, मेरा अपमान खाने दो, मुझे चूतिया, मैं ऐसी हालत में गौरी को वहां नहीं छोड़ सकता। नहीं मामा मैं तुम्हें नहीं जाने दूंगा। जाने दो प्रकाश, मैं नहीं जाने दूंगा। हट जाओ, मैं कहता हूं। मामा तुम्हें जूतियां खानी पड़ेंगी, और जब तक प्रकाश जिंदा है। नहीं मामा नहीं, ये कांटे मैंने बोए और मैं ही इन्हें काटूंगा। तुम जाओ बनारस, मैं तुम्हें वचन देता हूं, जैसे भी हो गौरी को मैं तुम्हारे पास ले आऊंगा। प्रकाश एक राजे का बेटा लेकर उड़ने वाला घोड़ा देश देश की सैर की खातिर अपने घर से निकला। उड़ते उड़ते चलते चलते थके जब उसके पांव, एक जगह तो बैठ गया वो देख के ठंडी छांव। शंकर हाँ? तू कब आया? अभी अभी आया माँ, बिल्कुल अभी। माँ बड़ी भूख लगी है। हाँ हाँ, रघु रघु शंकर के लिए चाय बना।
तू अपने कमरे में जा, मैं तेरे लिए चाय लेकर आती हूँ। अरे तुम क्यों तकलीफ कर रही हो माँ, और लोग भी तो है घर में। मेरा मतलब। हाँ हाँ तेरा मतलब समझ गई, तू जा मैं उसी के हाथ से भेजती हूँ। शंकर आ गया है, जा उसके लिए चाय ले जा। जा बेटी। आपने रघु से तो कह दिया माँ जी, वो तो ला ही रहा है, तू अपने हाथ से दिया। रघु को ही जाने दो ना माँ, भाभी मुझे कहानी सुना रही है। कहानी बाद में सुन लेना, जा बेटी जा। चल कहाँ थी, भूख का तो सिर्फ एक बहाना था मैं, दरअसल मैं तुम्हें बुलाना चाहता था। सोचता हूँ अगर मैंने माँ की बात नहीं मानी होती तो कितनी बड़ी भूल की होती। मैं चाहती हूँ मंजू तो सारा दिन पढ़ सकती तुमसे, दो घड़ी मुझसे भी बातें कर लो। कितनी अच्छी कहानी सुना रही थी मंजू को। देखो मैं तुम्हारे लिए क्या लाया हूँ, लाओ। क्या हुआ माया? तुम इस तरह कांप क्यों रही हो? तबीयत तो ठीक है ना? बहू रात काफी हो चुकी है, अपने कमरे में जाके सो जा। बहू बहू बहुरानी बहुरानी, लो यही सो गई। बहुरानी मंजू को पढ़ाते पढ़ाते वही सो गई। बहू तेरा जगाए लेकिन जगी नहीं, अब तू भी सो जा बेटा। डॉक्टर डॉक्टर चौधरी, ऑपरेशन हो गया। क्या बात है डॉक्टर, तबीयत तो ठीक है ना? क्यों आप सुबह से कुछ परेशान नजर आ रहे हैं। नहीं तो ऐसी कोई बात नहीं डॉक्टर मेहता, यूं ही सर जरा भारी सा मालूम हो रहा है। तो फिर आप घर क्यों नहीं चले जाते सर? घर? हाँ हम लोग तो हैं ही, और फिर कोई खास काम भी तो नहीं है। लेकिन अभी तो सिर्फ दो। अच्छी बात। माया कमरे से जाने की कोशिश मत करो, मुझे तुमसे कुछ पूछना है। मुझे जाने दीजिए। नहीं मैं जानता हूँ कल रात तुम सोई नहीं थी बल्कि जाग रही थी, था मुझसे दूर रहने का। और क्यों मुझे देखते ही तुम सहम क्यों जाती हो, जानबूझकर दूर क्यों भागती हो? बोलो। भगवान के लिए मुझे छुए मत। लेकिन क्यों, मैं अपनी पत्नी को क्यों नहीं छू सकता? मेरा व्रत है। ये कैसा व्रत है जो पति और पत्नी के बीच में दीवार बन जाता है? ये मत पूछिए भगवान के लिए, ये मत पूछिए, इसी में हम दोनों की भलाई है। भलाई? क्या भलाई, कैसी भलाई बताओ, तुम्हें आज बताना ही होगा। बहू बहू रानी जरा देखो तो कौन आया है। अरे शंकर तू कब आया? नमस्ते जीजा जी, माफ कीजिएगा अभी मुझे कुछ काम है, रात को मिलूंगा। अरे शंकर जरा सुन तो सही, सुन। बहू तुम अपने भैया से बातें करो, मैं इसके लिए खाने को भेजती हूँ।
गौरी मत रो बहन, मत रो। मैं जानता हूं तुम पर क्या बीती। मैं तुम्हें ले जाने के लिए आया हूं। मत लो बेटा, हमारे यहाँ का तो रिवाज यही है कि शादी के बाद दूल्हा ही दुल्हन को लेकर ससुराल जाता है, लेकिन इसमें इतनी जल्दी है क्या है? आप मामा जी को नहीं जानते। अब देखिए ना, बेटी का ब्याह करते ही वो बनारस चले गए और अब कहते हैं 3-4 साल तीर्थ यात्रा ही करते रहेंगे, सो उनका ख्याल है। अच्छी बात है, शंकर आ जाने से मैं इसे पूछ लेती हूँ। ये दुनियादारी क्या बात है माँ? प्रकाश बहुरानी को लेने आया है। तुम मुझसे क्या पूछती हो, भेज दो। भेज कैसे दूँ? बहू को पहली बार मायके ले जाना भाई का नहीं पति का काम होता है। मगर माँ, दो चार रोज की बात है बेटा, बहू को छोड़कर वापस चले आना। लेकिन तुम समझ, लेकिन लेकिन कुछ नहीं, कल सुबह की गाड़ी से तुझे बनारस जाना ही पड़ेगा। बनारस? हाँ, तेरे ससुर आजकल वही रहते हैं। अच्छी बात है माँ। बहुत रात हो गई बेटा, तुम भी जाकर आराम करो, जा। तुम्हें उठने की जरूरत नहीं, मैं बाहर जाके सो जाता हूं। तुमसे सिर्फ इतना ही कहना है कि सुबह की गाड़ी से हम लोग बनारस जा रहे हैं, वहां तुम्हारा व्रत आसानी से पूरा हो जाएगा और तुम जब तक चाहो वहां रह सकती हो। अगर कभी तुम्हारा मन मुझे स्वीकार कर ले तो लिख देना, मैं चला आऊंगा। बच्ची तुझे क्या भी, काश माया की जगह तूने मेरे घर में जन्म लिया होता। चाचा जी, मैं अब क्या होगा, मैं क्या करूं? तू चिंता ना कर बेटी, अब मैं तुझे इस मुश्किल में नहीं रहने दूंगा। मैं उन लोगों को सच्ची सच्ची बात कहकर सारा दोष अपने ऊपर ले लूंगा। ले, जाके आराम, मैं आज ही उन्हें चिट्ठी लिख देता। चिट्ठी लिखने की कोई जरूरत नहीं, शंकर बाबू हमारे साथ ही आए। तुम्हारे साथ आए हैं? हाँ, मैं उनके दोस्त डॉक्टर वर्मा के यहाँ उन्हें छोड़कर आ रहा हूँ। माया का कुछ पता चला मामा? माया मर गई। माया मर गई है? हाँ, माया मर गई है। वो तो उसी दिन मर गई थी जिस दिन उसने घर के बाहर कदम रखा था। अब मैं शंकर से कुछ नहीं छुपाऊंगा, जो कुछ भी हुआ है उसकी सारी जिम्मेदारी मुझ पर। मगर इससे फायदा क्या होगा मामा? तुम्हारा सच्चाई का पाठ तुम्हें तो शांति दे सकता है, लेकिन तुमने गौरी और शंकर बाबू के बारे में भी सोचा? जो सच्चाई इन दोनों के जीवन में कांटे की तरह चुभती रहे उसमें तुम्हें क्या मिल जाएगा मामा? तू कहना क्या चाहते हैं प्रकाश? माया तो गौरी नहीं बन सकी, लेकिन गौरी तो माया बनाई जा सकती है मामा। आखिर गौरी में कौन सी कमी है? मुश्किल तो इतनी, शादी नहीं हुई तो इसके लिए कोई दूसरा रास्ता क्यों नहीं सोचते? ये तो क्या कह रहा है प्रकाश, मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। इसमें ना समझने की कौन सी बात है मामा? जैसे भी हो दोनों की शादी करा दो, दो जीवन बर्बाद होने से बचा लो मामा। मैं तो अनपढ़ आदमी हूँ, लेकिन इतना जरूर कह सकता हूँ ऐसे झूठ से पाप नहीं लगता, कोई पाप नहीं लगता। नहीं नहीं चाचा जी, ये शादी कैसे हो सकती है? वो माया के पति है
और माया आपकी बेटी है। माया मर चुकी है, अब तू ही मेरी बेटी है। बेटा, मैंने ये फैसला सिर्फ तेरी खातिर ही नहीं किया, इसमें सबकी भलाई है। और इसमें अगर कोई बुराई होती तो कम से कम मैं तुम्हें नहीं कहता। चाचा जी, देखो बेटा, कहने को मैं अब भी जाके उसे सब कुछ कह सकता हूँ, लेकिन थोड़ा समय बीतने दो, जब वो तुम्हारे गुण अच्छी तरह पहचान लेगा मैं उसे सब कुछ समझा दूंगा। लेकिन ये शादी, मुझे डर लगता है चाचा जी। देखो बेटा, इसे चाहे मेरा हुक्म समझो या विनती, मगर मैं जैसे कहता हूँ वैसे कर। आगे बेटा, कहाँ कहाँ घूम के आए? मां के पास। अच्छा किया बेटा, मुझे तुमसे एक जरूरी बात कहनी थी। मैं जानता हूं उसे सुनकर तुम हंसने लगोगे, मगर कहे बगैर मैं रह भी नहीं सकता। कहिए ना बेटा। तुम्हें याद होगा, शादी के मौके पर माया अचानक बेहोश हो गई थी। पंडित ने तो कह दिया था कि शादी की रस्म पूरी हो गई है, मगर मेरे ख्याल में वो शादी अधूरी रह गई। बेटा, अब तुम यहां हो तो मेरी इच्छा है कि भगवान विश्वनाथ के मंदिर में जाकर उस अधूरी शादी को पूरा कर दिया जाए। मगर मैं जानता हूँ इतने बड़े डॉक्टर के लिए ऐसी वहम की बातें हंसी का कारण बन सकती हैं, मगर बेटा इससे मेरे मन को बड़ी शांति मिलेगी, और फिर दो घड़ी की तो बात है। अगर आपकी यही इच्छा है तो ठीक है। ये क्या? समझा, पिताजी की तरफ तुम्हें भी अधूरी शादी का वहम था। लेकिन अगर इतनी ही बात थी तो मुझे पहले क्यों नहीं बताया? अब तो किसी किस्म का वहम बाकी नहीं रहा तुम्हारे मन में, तो तुमने मुझे स्वीकार कर लिया ना? बोलो। सांझ और सवेरा, यही है वो सांझ और सवेरा, जिसके लिए तड़पे हम सारा जीवन भर, यही है वो सांझ, यही है वो सांझ और सवेरा, यही है वो सांझ और सवेरा, जिसके लिए तड़पे सारा जीवन भर, यही है वो सांझ और सवेरा। ला 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 ला
यही है वो सांझ और सवेरा, यही है वो सांझ और सवेरा, जिसके लिए तड़पे हम सारा जीवन भर, यही है वो सांझ और सवेरा। मेरी पलक पे तुम्हारी पलक का साया है, जबान दिल पे तुम्हारा ही नाम आया है, निसार ऐसी खुशी पर हमारी सारी उम्र, जमी के चांद को अपने गले लगाया है, तुमने रंग प्यार का वो फेरा, निखर गया आसमां का चेहरा, जिसके लिए तड़पे हम सारा जीवन भर, यही है वो सांझ और सवेरा, और सवेरा, यही है वो सांझ और सवेरा, जिसके लिए तड़पे हम सारा जीवन भर, यही है वो सांझ और सवेरा। क्या देख रहे हैं? कुछ नहीं। तो चाय पीजिए। क्या देख रहे हैं? कहीं ना कहूं पत्थर की मूर्ति शर्माने लगी। मूर्ति भी कभी शर्माती है। अब तो मूर्ति बोलना भी सीख गई। छोड़िए इन बातों, आज तो आप जा रहे हैं, मुझे ले जाने के लिए कब आएंगे? एक महीने के बाद। एक महीना? मेरा तो एक दिन भी दिल नहीं लगेगा आपके बिना। तो ठीक है, अपने पिताजी से कहो, शायद वो तुम्हें मेरे साथ भेज दें। मैं कहूँ? भला मैं उनसे कैसे कह सकती हूँ? अभी वो घाट से लौटेंगे तो आप कहिए। हंसते क्यों हैं? मैंने तुम्हारे पिताजी से कह दिया है, तुम भी मेरे साथ चल रही हो। अरे जय बजरंगबली। मैंने कुछ नहीं देखा। क्यों, टिकट लाए? बड़ी मुश्किल से टिकट लाया हूँ जीजा जी। आजकल तो जिसे देखो वो बंबई की तरफ भागता है। ये रहे आपके टिकट, ये ए और ये टू। और तुम्हारा? अपने राम ने तो इरादा बदल दिया है, गंगा स्नान के बाद सीधा अंबाला। 15 दिन से उंगलियां तड़प रही हैं रियाज के लिए। अरे तुम्हारा रियाज तो बंबई चलकर भी हो सकता है। ये कैसे हो सकता है, तबली की जोड़ी तो अंबाला में है। अरे भाई बंबई कौन सा जंगल है, वहाँ खरीद लेना। आप खरीद देंगे? क्यों नहीं, तब तो जय बजरंगबली की। ये देखिए, ये रहा मेरा टिकट। अरे अभी तुम भी आ गई। माँ, ओ माँ। मैंने कहा जीजा जी, आप तो यहाँ आते ही अपने काम काज में लग जाएंगे, और अपने राम को बार बार कहने की आदत नहीं, लगे हाथों तो हमारा भी कल्याण कर दीजिए। तुम्हारा कल्याण? जय बजरंगबली की। भूल गए, बनारस से चलते वक्त आपने वादा किया था ना कि तबले की नई जोड़ी दिलाएंगे। ओ, मैं तो भूल ही गया। कितने पैसे लेंगे जी? ये कोई 25-30 रुपए। ये लो, अपनी पसंद की खरीद लो। जय बजरंगबली। अरे अरे, हाथ मुंह धोकर कपड़े तो बदल लो, वरना दुकानदार सुनिए मैं तुमसे बात भी नहीं करेगा। हाँ हाँ, कल खरीद लेना। कल किसने देखा है जीजा जी,
एक मशहूर कहावत है, काल करे सो आज कर, आज करे सो अब। पल में पलना हो गई तो तब ला लेंगे कब, ओ जीजा जी तब ला लेंगे कब। क्या घुंघरू है देखा आपने, पांव में बांधने से पहले झंझना उठते हैं। अरे घुंघरू क्या है, शंकर जयकिशन का पूरा ऑर्केस्ट्रा है। एक खोका दिखा देवी जी को। आपके पास तबले की जोड़ी मिलेगी? क्या बात कही आपने, अरे साहब तबले की दुकान में तबले की जोड़ी नहीं तो क्या जूतों की जोड़ी मिलेगी। आप दिखा सकते हैं जी? आप खरीदिएगा या सिर्फ देखिएगा? खरीदूंगा। हाँ खरीदेंगे आप जी? माफ कीजिए या उधार नहीं लेता? उधर नहीं, उधर नहीं, इधर। माफ कीजिएगा गलती हो गई, दरअसल आपका लिबास देख के मैं समझा था कि ठन ठन गोपाल कोई बात नहीं, छोटी सी भूल मुझसे भी हो गई। आपकी पोशाक देखकर मैं भी समझा था कि आप शरीफ आदमी। तो मैं इतना बराबर हो गया। क्या जोड़ी है, इसके दाम बतलाइए। 30 रुपए। सब दाम की बात बाद में हो जाएगी, पहले माल तो देखिए और जरा गौर फरमाइए। हिंदुस्तान का कौन सा ऐसा बड़ा कलाकार है जो इस दुकान में एक दफे ना आया हो? अभी कुछ दिनों की बात है, आफ्ताब मौसीकी उस्ताद सैयद खान साहब तशरीफ लाए थे। उस्ताद फैयाज खान? जी हाँ। जय बजरंग बली, शायद जन्नत से तानपुरा खरीदने आए होंगे। परसों की बात है, हैदराबाद वाला परसों। जी हाँ, मैं आपका मतलब समझ गया। मैं इसे जरा बजा के देख सकता हूँ? खूब बजाइए, शौक से बजाइए। क्यों जी, क्या तकलीफ है आपको? तकलीफ मुझे नहीं, तुम्हारे लयकारी में है मिस्टर, बेताल बजा रहे हो। अच्छा जी, ताल किस चिड़िया का नाम है मालूम है आपको? बात तो इस तरह करते हो जैसे लयकारी तुम्हारे घराने का पानी भरती है। जी नहीं, आपके घराने का पानी भरती है। सुना है पुराने उस्ताद उसे आपके घर गिरवी छोड़ गए, 5 बरस से रियाज कर रहा हूँ देवी जी, पूरे 5 बरस से। और मैं जब सिर्फ 5 बरस की थी तब से पाँव में घुंघरू बांधने सीखी है मिस्टर, बिजली की तरह नाचती हूँ मालूम? मालूम मालूम, बहुत देखी है ऐसी बिजलियाँ। और मैंने भी बहुत देखे तुम जैसे ढोल डब्बा पीटने वाले। देखिए जी, आपने मेरी कला का अपमान किया है। अगर आपको अपने घुंघरुओं पे इतना ही नाज है तो फिर हो जाए मुकाबला, या तो मैं आपकी शागिर्दी कर लूंगा या फिर आप मुझे अपना गुरु मान लीजिए। ठीक है चलो मेरे साथ। जय बजरंग बली। अजीब जनाब जोड़ी वाले, आपकी जोड़ी तो चल दी, मेरी जोड़ी के दाम पर देते जाइए। जैसे निकाल लीजिए। मामा मामा इसका फैसला करो। कैसा फैसला? इनका इतना बड़ा हौसला कि ये कहे मैं लेता जानती नहीं, और इनकी ये हिम्मत कि ये मुझे ढोल डब्बा पिटने वाला कहे। कहा था और 100 बार फिर कहूंगी। खबरदार। अरे ले ले ले, मामला क्या है? मामा तुम फैसला करो, ये अगर हार गए तो मेरी शागिर्दी करेंगे, मैं हार गई तो मैं इन्हें गुरु मानूंगी। बिल्कुल ठीक है, हो जाए मुकाबला। आप मामा है? तब तो जय बजरंग बली की, आशीर्वाद दीजिए ताकि मैं अपने गुरु का नाम रख सकूं। तथास्तु तथास्तु। वाह मामा, तुमने तो आशीर्वाद इनको दे दिया, अब मैं क्या करूंगी? डर मत बिटिया, तेरी भी जय होगी। तोड़े का जवाब दो। जवाब दो।
देवी जी, अब तक तो आपके तोड़े हुए, अब मेरे टुकड़े का जवाब दीजिए। यहाँ देखिए, एक बार फिर से बजाइए। एक बार क्या, 100 बार सुनिए। बंद करो ये सब, क्या उधम मचा रखा है। तुम कौन हो जी? जय बजरंगबली की, मेरा नाम प्रकाश है, उम्र 27 साल 7 महीने। मैंने तुम्हारी जन्म पत्री नहीं पूछी, यहाँ क्या लेने आए हो? हम लोग रियाज कर रहे थे माँ, तुझे तो किसी तानसेन के यहाँ जन्म लेना चाहिए था। अजी तानसेन होता या बैजू बावरा, तुम्हारे सामने तो वो दोनों भी अपना संगीत भूल जाते। तुम्हारी अकल पर तो पत्थर पड़े हैं, सियानी लड़की है, अगर उसके शौक का इतना ही ख्याल है तो किसी पक्की उम्र वाले उस्ताद का बंदोबस्त क्यों नहीं कर देते? उम्र पक्की हो या कच्ची, तुम्हारी शक्ल देख कर तो वो बेचारा भी घबरा जाएगा। तुम चुप रहो। नहीं माँ, मैं सीखूंगी तो इन्हीं से सीखूंगी। ये बहुत बड़े कलाकार है माँ। तुझे तो सारी दुनिया कलाकार नजर आती है, मैं तेरे लिए वर ढूंढती फिरती हूँ और तेरी कला ने मेरे नाक में दम कर रखा है। चल रे, अपना रास्ता नाप, चल। जय बजरंगबली की, चौराहा समझ रखा है मेरे घर को। देखिए, आपका घर आपको मुबारक हो, लेकिन बात करने का थोड़ा तरीका तो सीखिए। निकल जाओ यहाँ से, पराया मुझे तरीका सिखाने वाला, अगर फिर कभी इधर आया तो पुलिस में रिपोर्ट कर दूंगी। चल। मंजू, क्या है भाभी? चॉकलेट तुझे बहुत अच्छे लगते हैं ना? हाँ। अच्छा, अगर मैं चॉकलेट का एक पूरा पैकेट तुझे दे दूं तो? सच मेरी प्यारी भाभी? लेकिन मेरा एक काम करेगी? बताओ क्या काम है। अपने भैया को फोन कर दे और उनसे कहना कहना कि मेरी तबीयत बहुत खराब है। तबीयत खराब है तो फिर माँ को बुला। माँ को नहीं, उन्हें परेशान करने की क्या जरूरत है, जैसा मैं कहती हूँ वैसा करो। हेलो, मैं मंजू बोल रही हूँ। भैया, भाभी की तबीयत बहुत खराब है। क्यों, क्या हुआ? पूछते क्या हुआ, पागल हो गई है, सर में दर्द हो रहा है। भैया, कब से हो रहा है? कब से हो रहा है? 2 घंटे से। 2 घंटे से? अभी क्या कर रही तेरी भाभी? खड़ी है। नहीं नहीं भैया, लेटी है। अच्छा, मैं अभी आता हूँ। कहते हैं मैं अभी आता हूँ। सजना मेरे घर अंगना, ओ सजना मेरे घर अंगना, मुस्काते ना मन भाते ना तेरे प्रीत बिना, ओ सजना मेरे घर अंगना, मुस्काते ना मन भाते ना तेरे प्रीत बिना, सजना मेरे घर अंगना। प्रिया प्यार तुम्हारा जीवन का सहारा, बदली में चमकता एक आस पतारा, ये प्यार तुम्हारा जीवन का सहारा, बदली में चमकता एक आस पतारा, सच हो के सामने आया मेरा हर सपना, ओ सजना मेरे घर अंगना, मुस्काते ना मन
रही है रेशम के डोरे जिस दिन से बंधी है तकदीर जगी है दुल्हन सी सजी है रेशम के डोरे जिस दिन से बंधी है लेकर तेरा नाम सवरिया धड़के दिल अपना ओ सजना मेरे घर अंगना मुस्काते ना मन भाते ना तेरे प्रीत बिना ओ सजना मेरे घर अंगना घेरे मेरे तन को घेरे मेरे पास हो निस्दिन तुम साजन मेरे मेरे मन को घेरे मेरे तन को घेरे मेरे पास हो निस्दिन तुम साजन मेरे मन के अंतर के चंदा तुम देखो बिना छुपना ओ सजना मेरे घर अंगना मुस्काते ना मन भाते ना तेरे प्रीत बिना सजना मेरे घर अंगना मुस्काते ना मन भाते ना तेरे प्रीत बिना सजना मेरे घर अंगना। उमा अब कैसी तबीयत है जनाब की? आपको इससे क्या, आप तो बस दूसरों का इलाज करना जानते हैं। जी आपका इलाज भी कर सकता हूँ, फरमाइए क्या शिकायत है आपकी? जी शिकायत ये है कि सुबह से शाम तक बिल्कुल अकेले रहना पड़ता है और जरा अच्छा नहीं लगता। क्या करूँ माया, डॉक्टर हूँ ना, मुझ पे सिर्फ मेरा ही नहीं मेरे मरीजों का भी हक है। जी हाँ आप पर तो सबका हक है, बस एक मेरा ही नहीं है। हाथ का हक तो सबसे पहले है, कहिए क्या हुक्म है? तो चलो ना शाम कहीं घूमने चले। ख्याल तो बुरा नहीं है लेकिन 4 बजे मुझे एक पेशेंट को देखना है। फिर वही पेशेंट? बहुत सीरियस केस है माया, बाहर के एक डॉक्टर ने भेजा है। जैसे आप कोई बहुत बड़े डॉक्टर हैं। पता नहीं लोग तो यही कहते हैं। अच्छा तो एक काम करते हैं, मैं जाकर गाड़ी भेजता हूँ, तुम तैयार होकर वहीं चले आना, ठीक है? तो मैं चलूं? आपकी क्या राय है डॉक्टर चौधरी? कॉम्प्लिकेशंस तो बहुत हैं और केस भी काफी पुराना हो गया है, ऑपरेशन करना ही पड़ेगा। नमस्ते मिस्टर चौधरी। फकीर हो तो कोई दूसरा दरवाजा खटखटाओ जाकर। कौन है? किससे बातें कर रही है तू? पता नहीं कौन है माँ, खामखा गले पड़ रहा। आदाबर है बड़े भी, आपकी बेटी अभी बच्ची है यानी अकल की कच्ची है, इतना भी नहीं जानती कि सामने कौन बोल रखा है। आप ही बता दीजिए ना। फखरे मुल्क उस्ताद लियाकत हुसैन मतवाला का बेटा हूँ यानी नजाकत हुसैन उजाला। उजाला? उजाला यानी रोशनी और हिंदी में जिसे प्रकाश कहते हैं। मगर बेचते क्या है आप? ला हाल वाला हुआ, आप भी बड़ी शरीर है, बेचता कुछ नहीं हूँ बड़ी भी, मैं तो अपने
तुम बांटते फिरता हो लोगों को। तबला सारंगी बजा सकता हूँ, शुद्ध सारंग गा सकता हूँ, इल्म मुसिकी के साथ रक्त की तालीम देता हूँ। जी जी, मेरा मतलब है संगीत विद्या के साथ नाच सिखाता हूँ लोगों को। तो यू कहिए कि आप कोई उस्ताद हैं? आप किलो आते हैं। उम्र क्या है आपकी? ये उम्र दो एक दो 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 चार दो तीन छह दो दो जी, यही के एक सदी में 30 साल कम यानी कि 70 साल। 70 साल? ऐसे बुजुर्ग उस्ताद की जरूरत तो इसको भी है उस्ताद। सुभान अल्लाह, फिर सोचते क्या है, हुक्म दीजिए आज ही बिस्मिल्लाह कर देता हूँ। लेकिन आज तो इसके मामा घर में नहीं है। मामा? रक्त उनको सीखना है, ये तो लाडली को। नहीं नहीं, सीखना तो इसी को है, लेकिन मेरा मतलब है कि मुझे बाहर जाना है और ये घर में अकेली। हाँ तो ये और भी अच्छी बात है, आप चौकड़े चले जाइए, जब तक आप वापस लौटेंगी रक्त की तालीम भी हो जाएगी और शागिर्दा की रखवाली भी। जी। हमें आपकी ये बात बहुत पसंद आई, जवान लड़की को अकेला घर में नहीं रखना चाहिए। हाँ बिल्कुल ठीक कहते हैं। अरे खरी मुँह क्या देख रही है, उस्ताद जी के लिए कुछ चाय वगैरह का इंतजार है? खाकर को शिकंजे बीन पीने की आदत है, आप चौक से तशरीफ ले जाइए, मेरा फिक्र न कीजिए। अल्लाह समझ। अरे जाना, तू भी जाना। बीता जाए
चांद को बदरा गरबा लगाए, चांद को बदरा गरबा लगाए, और भी मारा मन ललचाए, चांद को बदरा हसीन गले लग जा, यार हसीन गले लग जा, मोरी उम्र गुजरती जाए, सावन बीत जाए, हाय रे सावन बीत जाए, हाय रे सावन बीत जाए, हाय रे सावन बीत जाए। कहाँ चली गई थी तुम? तुमने मुझे पहचाना नहीं, मैं गौरी हूं। अरे यहाँ तुम क्या कर रही हो? आप ही की तरफ आ रही थी, लेकिन यहाँ देखा ये पेशेंट। हाँ बाहर कौन है ये? पता नहीं कौन है बेचारी, मोटर के एक्सीडेंट में अपनी याददाश्त खो बैठी, यहाँ तक कि अपना नाम भी भूल गई है, मगर अचानक तुम यहाँ। इतने सालों के बाद मिली हूँ मनोरमा। बाल बच्चे अच्छे हैं ना? अरे एक ही तो लड़की है राधा, लेकिन देखोगी तो देखती रह जाओगी। रूपवती ऐसी कि चांद भी शर्माए, और कलावती ऐसी कि अप्सरा को भी पसीना आ जाए। अरे मेरे घर की तो चौखट ढीली कर दी रिश्ता मांगने वालों ने, मगर मैं हूँ कि कान भी नहीं धरती। तो कोई अच्छा सा बर देखकर हाथ पीले कर दो ना, इसीलिए तो आई हूँ कि अपनी बेटी देकर तुम्हारा बेटा मांगू। मेरा बेटा? मेरे बेटे की शादी तो कई महीने पहले हो गई है, अंबाला के वकील मधुसूदन जी की बेटी है, बहू के रूप में लक्ष्मी आ गई है मेरे घर में। अब तो भगवान की दया से उसकी गोद भी हरी होने वाली है, रघुनाथ जी के मंदिर में पोती की मन्नत मान रखी है, कल ही मैं वहाँ जा रही हूँ दो चार रोज के लिए। बहुत बहुत मुबारक हो बहन, कहाँ बम्बई और कहाँ अंबाला, ये सब संजोग का खेल है। अच्छा मुझे आज्ञा, बैठो तो सही, पहले तुम्हारा मुंह तो मीठा करा दो। अरे मेरा मुंह तो खबर सुनते ही मीठा हो गया, अब मैं चलती। अजी बैठो ना रघु। प्रकाश भाई आए? नहीं बहुरानी, अभी तक तो नहीं आए। अच्छा देखो जैसे ही वो आए ना मुझे फौरन खबर कर देना। अच्छा बहुरानी। गौरी तू? तो क्या तू इस घर में बहू बनकर आई है? और वो जो कह रही थी अंबाले वाले वकील मधुसूदन जी की लड़की? बहुरानी तू आ गई, प्रणाम कर मेरी सहेली को। सदा सुहागिन रहो, दूधो नहाओ और सूतो खलो। प्रकाश भैया। अरे तुम्हें दौड़ना भागना नहीं चाहिए। मैंने माया को देखा है। माया? वो इनके नर्सिंग होम में इलाज के लिए आई है, मोटर के एक्सीडेंट में अपनी याददाश्त खो बैठी है। और सिर्फ यही नहीं प्रकाश भैया, जिस राज को हम आज तक छुपाते रहे हैं ना उसका पता भी चल गया। तुम्हारा मतलब है शादी का राज? हाँ, मेरे गाँव की एक औरत यहाँ आई थी और वो जानती है की मैं माया नहीं गौरी हूँ। आहिस्ता बोलो।
अब क्या होगा गौरी? एक ही रास्ता है, इससे पहले कि किसी और को शक हो मुझे यहाँ से ले चलो, कहीं और ले चलो। अरे कहाँ जाने की तैयारी हो रही है, क्या बात हो रही है? जी माया मुझसे कुछ नहीं, कुछ भी तो नहीं। माया, माया कुछ परेशान है। दो चार दिन से मैं भी यही देख रहा हूँ। क्या बात है? कुछ नहीं। कुछ ना कुछ तो जरूर है। नहीं कुछ नहीं। आपका वो पेशेंट कैसा है? पेशेंट? ओ उस लड़की के बारे में पूछ रही हो? कल उसका ऑपरेशन होने वाला है और मेरा ख्याल है ऑपरेशन के बाद उसे सब कुछ याद आ जाएगा और उसके घर वालों का पता चल जाएगा। मगर तुम तो उसके बारे में इस तरह पूछ रहे हो जैसे। माया अरे ये क्या, क्या हुआ तुम्हें? मुझे डर लगता है। क्यों? तुम्हें पाकर मैंने जिंदगी में सब कुछ पा लिया है लेकिन अगर ये छिन जाए। जी कैसी बातें करती हो तुम? मेरा तुम्हारा तो जीवन भर का बंधन है, लगन मंदिर की आग के फेरे लिए हमने, हमारी खुशियां कोई भी नहीं छीन सकता, कोई नहीं। एक ही तो काम रह गया भगवान को कि वो माफ करता रहे और दुनिया पाप करती रहे। नहीं चाची, मैंने कोई पाप नहीं किया। नहीं नहीं, तूने तो बहुत बड़ा पुण्य किया है। पंडित दीनानाथ की अनाथ, वकील मधुसूदन की बेटी का नाम चुराकर इतने बड़े घर की बहू बन बैठी चाची, ये पुण्य नहीं तो और क्या है? मगर तूने इसे छिपाकर बांध क्यों रखा है अचल में? सच्ची बात कह क्यों नहीं देती? अगर तुझमें ताकत नहीं तो बोल, मैं सबको बता देती हूँ। भगवान के लिए ऐसा न करना, मैं तुम्हारे पांव पड़ती हूँ, ऐसा न करना चाची। ओ तो क्या तू ये चाहती है कि सब कुछ जानते हुए भी मैं अपनी जबान पर ताला लगा लूँ? आखिर मुझे भी तो जाना है भगवान के पास एक दिन। मैं बिल्कुल मजबूर थी चाची। हेरों के बाद शादी की रात ही को माया घर से भाग गई। उसकी जगह अगर मैं डोली में ना बैठ जाती तो ये कलम चाचा जी की जान ले लेता। हाय राम, तू क्या ऐसे ही चली आई है डोली में बैठकर? शंकर से तेरी शादी नहीं हुई चाची? अब तू बच्चे की माँ भी बनने वाली है? गलत ना समझो चाची, गलत ना समझो। हमारी शादी हुई है मंदिर में। किसने देखी थी वो शादी? कौन से पंडित ने मंत्र पढ़ाए थे? कौन देगा गवाही तेरे सुहाग की? मेरा भगवान। भगवान? तो फिर क्यों डरती है? तेरा भगवान तुझे बचाएगा, मुझसे ही अनर्थ नहीं देखा जाए। मैं सब कुछ कह दूंगी, नहीं तो कौन सा मुझे क्या जाऊंगी घर से? मैं तुम्हारे हाथ जोड़ती हूँ चाची, मुझे मेरे हाल पर छोड़ दो, मेरे हरे भरे संसार में आग ना लगाओ। आग? आग लगाने तो तू आई है। ये हरा भरा घर तेरे पाप के कारण जलकर राख हो जाएगा। तेरा पाप तो एक दिन तुझे ले ही डूबेगा, लेकिन तेरे साथ बेचारे शंकर पर भी आ जाए तो उसका क्या होगा? ओ भगवान, अब भी कुछ नहीं बिगड़ा है। अगर तू शंकर की भलाई चाहती है तो अपनी मनुष्य इस घर से हटा दे। तेरी सास घर में नहीं, आज ही यहाँ से चली जा। इसके सिवा कोई रास्ता, कोई रास्ता नहीं। Is everything ready, doctor? शंकर से तेरी शादी नहीं हुई चाची? अब तू बच्चे की माँ भी बनने वाली है? ये हरा भरा घर तेरे पाप के कारण जलकर राख हो जाएगा।
तेरा पाप तो एक दिन तुझे ले ही डूबेगा, लेकिन तेरे साथ बेचारे शंकर भाभी आ जाए तो उसका क्या होगा? अगर तू शंकर की भलाई चाहती है तो अपनी मनमुच्छाया घर से हटा दे, आज ही यहां से चली जा। पागल न बनो कौरी, तुम्हारे साथ एक और जिंदगी का भी सवाल है। मैं सब कुछ भूलना चाहती हूँ, फिर से मुझे काटो मत, मैं कैसे जीऊँ भैया? इसके सिवा मेरे साथ अब कोई रास्ता नहीं। ऐसा चलो हम मामा के पास चलें। नहीं नहीं, वहाँ तो सबको एक ही दिन में पता चल जाएगा। मेरे लिए दुनिया में कोई जगह नहीं भैया, मेरा मर जाना। अपने भाई के होते हुए तुझे ऐसी बात करते शर्म नहीं आती? जब तक मैं जिंदा ऐसा नहीं होने दूंगा। चलो मेरे साथ। भैया। हाँ गौरी, आज से तुम्हारी जिम्मेदारी मुझ पर है। चलो चल। रो मत बहन, रोने से क्या फायदा? भगवान जो करता है अच्छे के लिए करता है। अब पिछली बातें भूल जाओ और आगे की चिंता करो। पता नहीं किसकी नजर लग गई है मेरी खुशियों को। शंकर, शंकर कुछ पता चला? नहीं माँ, बनारस से डॉक्टर वर्मा की चिट्ठी आ गई है, वकील साहब वहाँ भी नहीं। अरे भगवान, कितने दिन हो गए और बहू कब तक कोई पता नहीं, तो उसे ढूंढता क्यों नहीं है शंकर? कहाँ ढूंढूं माँ, समझ में नहीं आता प्रकाश भी कहाँ चला गया। मैं तो तुम्हारी घरेलू बातों में दखल देना नहीं चाहती, मगर भले घर की बहू बेटियां सास को पूछे बिना पति की आज्ञा के बगैर रात के अंधेरे में किसी पराये पुरुष के संग गायब हो जाए तो इसका क्या मतलब है? ये तुम क्या कह रही हो? प्रकाश तो रिश्ते में भाई है उसका। अजी, ऐसे भाई बहुत मिलते हैं इस पापी संसार में। जमाना बहुत नाजुक है, दूध को फटते नहीं बदलते देर नहीं लगती। क्या यही कहने के लिए आई हैं आप? चुपचाप क्यों बैठी? आज भी तेरे उस्ताद जी नहीं आए? वो तो 7 दिन से नहीं आए। जरूर किसी काम में लग गए होंगे। अगर मुझे पता मालूम होता तो मैं खुद ही जाके बुला लाता। यही तो मुश्किल है, पता तो मैं भी नहीं जानती, सिर्फ नाम जानती हूँ, प्रकाश। प्रकाश? घबरा नहीं, मैं सब समझ गया हूँ। क्यों, क्या खिचड़ी पका रहे हो तुम दोनों? खिचड़ी नहीं बना रहा माँ, बुलाओ। तुम चुप रहो, जल्दी आज तू भी चलेगी मेरे साथ। कहाँ माँ? शंकर के घर। वहाँ शादी की आशा तो नहीं थी, मगर अब भगवान ने रास्ता खोल दिया। तेरा आना जाना वहाँ शुरू हो जाए तो बात आगे बढ़े। मेरी वहाँ क्या जरूरत है माँ? तेरी नहीं तो क्या मेरी जरूरत है? बड़े घर से नाता जोड़ना आसान नहीं होता। चल। जोड़ना आसान नहीं है पर तोड़ना तो आसान होता है। देख रही जिस तरह से समझा बुझा कर लाई हूँ वैसे ही करना। अगर कुछ गड़बड़ की तो याद रख सर फोड़ दूंगी। हाँ रुक्मणी बहन। ओ रुक्मणी बहन। कौन? मनोरमा। आओ बहना। चल रही मेरी बहन के पांव छू। ये है मेरी बेटी राधा। जीती रहो बेटी। ये लो मोती चूर के लड्डू, नहीं सुदामा के सत्तू समझकर स्वीकार करो, इसने अपने हाथ से बनाए हैं। ए शंकर कैसा है? क्या बताऊं बहन, उसी की चिंता मेरी चिंता बन जाएगी एक रोज। मुंह से तो कुछ कहता नहीं
लेकिन दिल टूट गया बेचारे का। यही सोच के तो मैं राधा को यहाँ लाई हूँ। जा ये ले जा लड्डू डॉक्टर साहब के कमरे में। जा ऊपर है ना। हाँ जा जा। मगर माँ मैं तो उन्हें जानती भी नहीं। अरे जान पहचान ऐसे ही हो जाती है पगली। जाके पहले नमस्ते करना। जा चल। आप ही डॉक्टर साहब हैं? जी। तो फिर नमस्ते। जी। ये क्या है? तो मोतीचूर के लड्डू, लेकिन माँ इन्हें सुदामा के सत्तू कहती है। खाइए ना खाइए, बहुत अच्छे हैं। दयाराम दामोदर की दुकान से मंगाए हैं। लेकिन किसी से कहिएगा नहीं, मेरी माँ आपकी माँ से कह रही थी कि मैंने बनाए हैं। मगर आप हैं कौन? मैं राधा हूँ राधा। आप मुझे नहीं जानते, लेकिन मैं आपको अच्छी तरह जानती हूँ। यहाँ आई कैसे? अपनी मर्जी से थोड़ी आई हूँ, माँ ने जबरदस्ती भेजा। जबरदस्ती? आप मेरी माँ को नहीं जानते, हर बात में कोई ना कोई चक्कर चलाती रहती है। जानते हैं मुझे आपके पास क्यों भेजा है? आपका टूटा हुआ दिल जोड़ने के लिए। नहीं समझे ना? बहुत चालाक है मेरी माँ। वो चाहती है किसी तरह आपकी और मेरी शादी हो जाए। शादी? हाँ, इसीलिए तो मस्का लगाती है आपकी माँ को। लेकिन ना नौमन तेल होगा ना राधा नाचेगी। आपकी माँ मान भी जाए ना तो आप कभी ना मानिएगा, नहीं तो मैं शादी के पहले दिन ही भाग जाऊंगी। हाँ आपने मेरी बात का बुरा तो नहीं माना, मुझे किसी से प्यार है ना, इसलिए। वो आपकी तरह पढ़ा लिखा नहीं है, लेकिन बहुत बड़ा कलाकार है। तबला बजाने में तो उसका जवाब ही नहीं। बजरंग बली का भक्त है ना, इसलिए हर बात में जय बजरंग बली बोलता है। नाम क्या रखा? प्रकाश। प्रकाश? हाँ। आइए मेरे साथ, आइए। ये देखिए, यही है ना? हाँ, मगर ये तस्वीर यहाँ कैसे? ये हमारा रिश्तेदार है, यही रहता था। जब से मेरी बीवी की खबर नहीं, ये भी लापता है। भैया तुम आ गए? हाँ, सारा शहर घूम आया, मगर तमाम दिन मैं पीछे पीछे रहा और तकदीर आगे आगे। आज भी कोई काम नहीं मिला गौरी। नहीं मिला तो क्या हुआ, मिल ही जाएगा। उठो उठ के हाथ मुंह धो लो, कितने थके हो, चलो। खाना खा लो। ये सब कहां से आया गौरी? सवेरे तो घर में कुछ भी नहीं था। तुम्हें इससे क्या, तुम खाओ। तुम्हारे गले की चेन कहां है? उसे भी बेच डाला? तो क्या हुआ भैया, जब तुम मेरे लिए इतना कर सकते हो तो मैं तुम्हारे लिए कुछ नहीं कर सकती? लो खाना खा लो। हाँ तो पापी पेट की आग तो बुझानी पड़ेगी, और कर ही क्या सकता हूं। मैं तो ठहरा एक निकम्मा और निखट्टू, मुझे तो सिर्फ गाना बजाना ही आता है। लेकिन वो तो भूख मिटा सकता और ना ही पैसा। Thank you.
जिंदगी मुझको दिखा दे रास्ता, जिंदगी मुझको दिखा दे रास्ता, तुझको मेरी हसरतों का वास्ता, तुझको मेरी हसरतों का वास्ता, जिंदगी मुझको दिखा दे रास्ता, जिंदगी मुझको दिखा दे रास्ता। बोझ गम का है चला जाता नहीं, बेकसी का दुख सहा जाता नहीं, सारा आलम अजनबी है क्या करूं, उलझनों में कुछ नजर आता नहीं, ओ जिंदगी मुझको दिखा दे रास्ता, तुझको मेरी हसरतों का वास्ता, जिंदगी मुझको दिखा दे रास्ता। मैं कहीं थम जाऊं ये आदत नहीं, हाथ फैलाना मेरी फितरत नहीं, जब चला हूं मैं तो मंजिल पाऊंगा, मैं नहीं या फिर मेरी किस्मत नहीं, हो जिंदगी मुझको दिखा दे रास्ता, तुझको मेरी हसरतों का वास्ता, जिंदगी मुझको दिखा दे रास्ता, जिंदगी मुझको दिखा दे रास्ता। डर गई, ये रहा साबुन और ये रहा खुशबू वाला तेल। ये सब कहां से उठा लाए? उठा कर नहीं, खरीद कर लाया। तुम क्या समझती हो अपने भैया को? विद्वान नहीं है पर गुणवान तो है। मालूम है आज एक बहुत बड़ा संगीत सम्मेलन था, बस मैं वहां पहुंच गया। संगीत की धुन और संगीतकार का गुण कभी नहीं छूटता। बैठते ही अपनी कला का ऐसा रंग जमाया कि एक एक को बेरंग कर दिया। लोग तालियां पीटने लगे और सभापति ने खुश होकर सारे का सारा इनाम मुझे दे दिया। अरे ऐसा क्या देख रही हो? तुम्हें विश्वास नहीं होता है? ये देखो, देखो इनाम है ना, तभी रेजगारी में मिला, एक एक पैसा करके। मेरी खातिर तुम्हें भीख भी मांगना पड़ी, मैंने तुम्हें भिखारी बना दी। हाँ हाँ सोचने की कोशिश कीजिए, क्या नाम है आपका? सोचिए। माँ क्या माँ से शुरू होता है? मधु, मालती, मुमताज। बी केयरफुल, ऐसी हालत में किसी भी किस्म के एक्साइटमेंट पेशेंट के लिए खतरनाक हो सकती है। सॉरी डॉक्टर, सोचने की कोशिश कीजिए, क्या नाम है आपका? माला, ममता, मीरा, माधवी, मोना, मीनाक्षी, माया। प्रकाश, अरे ओ प्रकाश। कौन? ऋषि जी आइए ना, मैं बहुत दिनों से
बीमार हूँ। अरे बीमारी तो तुझे मेरी शक्ल देखते ही हो जाती है। खोली में सर छुपाना है तो चुपचाप भाड़ा भर दे, नहीं शाम तक जुलूस निकाल दूंगा। आपका भाड़ा मैं दूध में धोके दे दूंगा। आप घबराते क्यों? घबराता मैं हूँ या तू भाड़े का नाम सुनकर घबराता है? जब देखो इधर उधर की मस्करी में डाल देता है। पता नहीं कहाँ कहाँ से चले आते हैं बेईमान रहने को। जबान संभाल के बात करो मुंशी जी, नहीं तो क्या करेगा तू? इतना ही रुआब दिखाता है तो खाली कर दे खोली और ले जा अपनी जोड़ू को यहाँ से। हाँ मुंशी के बच्चे चले जाए यहाँ से और शाम को आकर किराया न जाना। रुआब तो ऐसे दिखाता है जैसे लाट साहब का बच्चा हो। मेरा नाम भी मुंशी मुंशी राम नहीं अगर शाम तक यहाँ टांच लेकर नहीं आया तो। चंपा सिद्धू जल्दी आओ। बेटी कौन हो तुम? बेटी बेटी कौन हो तुम? क्या मैं अंदर आ सकती हूँ? आइए आइए। आ तो मैं पहले ही चुकी हूँ। डॉक्टर साहब मुझे आपसे कुछ पूछना है। मगर आप बैठ जाइए। आप कहते हैं तो बैठ जाती हूँ। अच्छा डॉक्टर साहब, गुस्सा करके माफ कर देना अच्छा होता है या माफ करके गुस्सा करना? इतना तो मैं जानती हूँ कि प्यार में कभी गुस्सा करना पड़ता है और कभी माफ भी। मगर किस पे गुस्सा करके किसको माफ करना है? प्रकाश को। प्रकाश? मगर पहले उसका पता तो चले। पता तो मुझे मालूम है, मैंने उसे अपनी आंखों से देखा था। कहाँ देखा? जहाँ वो रहता है। कहाँ रहता है? पुरानी बस्ती में। आइए मेरे साथ। यहाँ प्रकाश नाम का कोई आदमी रहता है? प्रकाश? अरे वही रे जो मुंशी के खोली में किसी चमक छल्लू को लेकर आया था। हाँ हाँ रहता था साहब, मगर अब चला गया। चला गया कहाँ? कौन जाने साहब, किसी नए शिकार के चक्कर में होंगे। लेकिन वो औरत तो यही रहती है ना? वो भी चंपत हो गई, अकेली यहाँ रहकर क्या करेगी। वो लोग यहाँ से चले गए, समझ में नहीं आता कहाँ ढूंढे। आपकी बीवी को बच्चा होने वाला था ना, तो उन्हें किसी हॉस्पिटल में क्यों नहीं ढूंढते? आप ठीक कहती। मीना बेगम, नैना वर्मा, सुरेंद्र कौर, मीना शाह, सरिता जसवानी, सुधा मुखर्जी, माया चौधरी तो कोई नहीं। इस नाम का यहाँ कोई भी नहीं है। सॉरी डॉक्टर, देयर इज नो मिसेस चौधरी। क्या नाम पूछा आपने?
माया चौधरी। माया चौधरी? नहीं, माया चौधरी तो नहीं है, मतलब केबिन नंबर 5 में माया देवी है। माया देवी? जी हाँ, केबिन नंबर 5 है, केबिन नंबर 5 में माया देवी। थैंक यू। आपका पता? नहीं, मेरा पता कोई नहीं। ऐसा ना कहो बेटी, मेरा पता ही तुम्हारा पता है। लिखिए, 14 नंबर डिमांटी रोड। नंबर 14 डिमांटी रोड। बच्ची के बाप का नाम? बताइए। बता दो बेटे। मैं ही उसकी माँ हूँ, मैं ही उसका बाप हूँ। लेकिन बाप का नाम तो बताना ही पड़ता है। ठीक है, कोई ना कोई तो होगा बच्चे का। हाँ, लेकिन न जाने वो कहाँ चला गया। आपका रिश्तेदार है ना? उसी के सहारे तो जिंदगी के दिन काट रही हूँ। तो फिर उन्हीं का नाम लिखा दीजिए। प्रकाश। डॉक्टर चौधरी कहाँ है? डॉक्टर चौधरी? वो तो अभी तक नहीं आए। नहीं आए? मुझे उनसे बहुत जरूरी काम है। क्या आप बता सकते हो वो कब मिलेंगे? आप ऐसा कीजिए कि एक आध घंटे बाद आ जाइए। तुम बहुत गड़बड़ हो गई जीजा जी, मुझे पुलिस पकड़ कर ले गई थी और पता नहीं वो भी कहाँ चली गई। तो मेरे पास क्यों आया? उसे ढूंढना तो पड़ेगा ही, कहीं वो खुदकुशी न कर ले। कर ले तो अच्छा ही होगा। ये आप क्या कह रहे हैं? यहाँ से चले जाओ, वो मेरे लिए मर चुकी है, उसका मेरा कोई रिश्ता नहीं। आपका रिश्ता टूट सकता है लेकिन मेरे लिए तो सब कुछ है। ये तुम्हारे बताने के बगैर ही मुझे मालूम है। अपने माथे पे इतना बड़ा कलंक लगाकर तुमने मेरे सामने आने की हिम्मत कैसे की? कलंक? समझा, ये हमारी फुर्ती जो इतना बड़ा रात आप चले जाओ यहाँ से। मेरी बात प्रकाश में कुछ नहीं सुनना था। सर, केबी नंबर 2 के पेशेंट की हालत बहुत खराब हो गई। नहीं नहीं, मुझे बोलने दीजिए। शांत हो जाएंगे। मैं इतना बड़ा बोझ अपने दिल में नहीं रख सकती। मैं कहता हूँ शांत हो जाएंगे पहले, प्लीज। मुझे मेरे पिताजी के पास ले चलिए, मैं उनका बहुत दिल दुखाया है। मुझे उनसे अपने भूल की माफी मांगनी है। मुझे मेरे पिताजी के पास ले चलिए। जरूर ले जाएंगे, आप फिक्र न कीजिए। पता क्या है उनका? सदर बाजार अंबाला। नाम? वकील मधुसूदन। चुप चाप सो जायो नाम चल चांदवल मेरे चांदवल चुप चाप सो जायो नाम चल चुप चाप सो जायो नाम चल नाम चल चांदवल मेरे चांदवल चुप चल।
जवाब दो, कौन हो तुम, क्या नाम है तुम्हारा? तुम्हारी खामोशी मेरी बात नहीं टाल सकती, तुम्हें बताना ही पड़ेगा असल में तुम कौन हो, क्या परिचय है तुम्हारा, बोलो तुम्हें अपने बच्चे की कसम। बताती हूँ, मैं मधुसूदन जी की लड़की नहीं, मैं, मेरा नाम गौरी है। ओ, तो फिर आज तक तुमने मुझसे झूठ बोला था, फरेब किया था, मेरे विश्वास का गला घोटते हुए सिर्फ एक नाटक का खेल खेला था मुझसे, मेरी माँ की ममता का फायदा उठाकर सबकी आंखों में धूल झोंकी थी। सिर्फ यही नहीं, तुमने भाई बहन के पवित्र रिश्ते को भी कलंकित किया। तुम इतने नीच हो, इतने हीन, इस कदर गिरी हुई। क्या बात है बेटे, ये कौन थे मुझे बताओ ना बेटे, मुझे सब कुछ बता दो। मुझे कुछ नहीं सुनना, तुम चले जाओ यहाँ से। उसे बोलने से दे बिटिया। क्या कहेंगे, पूछो, क्या ये किसी की बीवी के साथ गायब नहीं हो गए थे? क्या वो सच है बेटा? जी हाँ। फिर क्या मुंह लेकर आए हो मेरे सामने, तुम्हें शर्म नहीं आती? किसी एक की बीवी क्या दूसरे की बहन नहीं हो सकती? बहन? हारा था, यही बताने में तुम्हारे पास आया था, तुम तो मुझे गलत न समझो। सर, मैं आपको ही फोन कर रहा था। क्यों, क्या बात? वो कैबिन नंबर 2 की पेशेंट माया देवी गुजर गई, आपके बाहर जाने के बाद वो बहुत बेचैन हो गई, हम लोगों ने बहुत कोशिश की लेकिन। देखिए, मैं कुछ दिनों के लिए बाहर जा रहा हूँ, यहाँ का काम आप लोग संभालिए। मामा, आप? हाँ बेटा, कई महीनों की तीर्थ यात्रा से वापस आने के बाद तुम्हारा भेजा हुआ तार मुझे अब मिला, उसे देखते ही मैं चला आया, कुछ पता चला मेरी बेटी का। कौन सी बेटी, असली या नकली? असली बेटी तो मुद्दत हुई मर चुकी है मेरे लिए। वो मरी नहीं थी वकील साहब, बल्कि मेरी आंखों पे पड़ा हुआ पर्दा हटाने के लिए आज तक जिंदा थी, और जिसकी वकालत करने के लिए आप यहाँ आए हैं
वो भी मेरे लिए मर चुकी। ऐसा ना कहो बेटा, शायद तुम असलियत नहीं जानते। कल तक नहीं जानता था, लेकिन आज सब कुछ जान गया। इतना बड़ा धोखा देने के बाद भी इस घर में कदम रखते हो, आपको शर्म नहीं आई? शर्म तुझे आनी चाहिए शंकर, जो पिता समन ससुर के सामने इस तरह बात कर रहा है। ससुर जिसको आज तक तुम अपनी बहू समझते रही, ना तो इनकी बेटी थी और ना ही उसके साथ मेरी शादी हुई है। भगवान विश्वनाथ के साक्षी में तुम दोनों की शादी नहीं हुई? वकील साहब ने मुझे सब कुछ बता दिया, वो माया नहीं गौरी है, मगर वही इस घर की लक्ष्मी है और वही मेरी बहू। बेटा शंकर, मेरी बेटी माया शादी की रात ही घर से गायब हो गई और उस नाजुक घड़ी में मेरी इज्जत और जीवन बचाने के लिए गौरी डोली में बैठकर यहाँ चली गई। उसने सिर्फ आप ही का जीवन और इज्जत नहीं बचाई, बल्कि मेरे खानदान की लाज भी रख ली। शंकर जरा सोच, अगर तेरी बारात बिना दुल्हन के वापस आ जाती तो कितनी बदनामी होती। मगर ये सब आपने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? ये मेरी भूल थी बेटा, गौरी तो लाख कहती रही मगर मैं ये सोच कर चुप रहा कि जब तुम एक दूसरे को अच्छी तरह पहचान लोगे तब ये राज खोलोगे, मगर वहां तक तो ये नौबत ही नहीं आई। उस बिचारी का केवल यही दोष था कि वो निर्दोष थी। भगवान जाने वो जिंदा भी है या मर गई। नहीं नहीं, वो जिंदा है, वो जिंदा है, तो मुझे उसके पास ले चलो, मैं हाथ जोड़ पा। मगर कौन सा मुंह लेकर मैं उसके सामने जाऊं? मैंने गुस्से में आकर उसका बहुत बड़ा अपमान कर दिया। तो क्या तुझे उसका पता मालूम था और मुझे नहीं बताया? माँ, मुझसे बड़ी भूल हुई, जैसे भी हो मैं उसे वापस लाता हूँ। डॉक्टर साहब, बहुत बड़ी गलतफहमी हो गई थी, इसमें प्रकाश का कोई दोष नहीं, ये सारी आग मेरी माँ ने लगाई थी। उसे मालूम था गौरी वकील साहब की बेटी नहीं है, इसी बात के डर से ये भाई बहन घर छोड़ने पर मजबूर हो गए। हाँ जीजा जी, अगर मैंने उसके पीछे घर न छोड़ दिया होता तो उस बेचारी ने उसी रात आत्महत्या कर ली होती। आप विश्वास रखिए जीजा जी, हम दोनों का रिश्ता गंगा जल की तरह पवित्र है। मुझे सब कुछ मालूम है, मैंने तुम्हें गलत समझा था, मुझे माफ कर दो भैया। चलो गौरी को ले आए। गौरी? हाँ हाँ, मुझे मालूम है वो कहाँ है। चलो गौरी कहाँ? गौरी मेरा मतलब माया, मेरी पत्नी। आपकी पत्नी? वो औरत जो थोड़ी देर पहले आपकी नजरों में इस कदर नीच हीन और गिरी हुई थी, आपकी पत्नी कैसे बन गई? मैं आपको सब कुछ बताता हूँ, लेकिन वो है कहाँ? जाने कहाँ चली गई, सिर्फ इतना कह गई थी कि भगवान के पास जा रही है। उस बेचारी के लिए मरने के सिवा और चारा ही क्या था? जिस देवी के लिए पति का घर नरक बन जाए, वो सिवा भगवान की और कहाँ जा सकती है? वो तो चली गई, लेकिन आपका बच्चा ऊपर है, आप चाहें तो उसे ले जा सकते हैं। Thank you.
बड़ी भूल गई मुझसे, मुझे माफ कर दो। तुम्हारे चाचा जी आए हैं, उन्होंने मुझे सब कुछ बता दिया, लेकिन तुमने मुझे क्यों नहीं बताया? क्यों अपने आप ही सब कुछ सहन करते हो? तुम नहीं जानती तुम्हारे बिना मैं किस तरह दिन काटती हूं। कहो तो तुमने मुझे माफ कर दिया, माफ कर दिया। शंकर बाबू, गौरी के मरने की झूठी खबर देकर मैंने सिर्फ से चाहा था कि देवी समान इस पत्नी का अपमान करके आपने जो पाप किया है उसका प्रायश्चित हो जाए। रो मत बेटी, ऐसी शुभ घड़ी में रोया नहीं करते। आज तुम्हारे पति तुम्हें देने आए और तुम्हारा भाई भी आया। प्रकाश भैया कहाँ है वो? प्रकाश भैया क्या हो गया था तुम्हें, कहाँ चले गए थे? कुछ नहीं हुआ पति, कुछ नहीं। अब तो सब ठीक है ना? बीच में जरा सुरताल की गड़बड़ हो गई थी, मगर सब पर आती वो भी ठीक हो गई। एक बड़ी मशहूर कहावत है, अपने राम तो अब मामा बन गए। मामा जय बजरंगबली। यही है वो सांझ और सवेरा, यही है वो सांझ और सवेरा, जिसके लिए तड़ी बन